तो आज नजर डालते हैं सबसे पहले उन दिग्गजों पर जो वोट करने निकले। अमेठी से स्मृति ईरानी दूसरी बार किस्मत आजमा रही हैं। यूपी की 14 सीटों पर वोट पड़ गए। लखनऊ में राजनाथ सिंह, मायावती और ब्रिजेश पाठक तक वोट डालते दिखे। कई बड़े नेताओं की सीटों पर इस दौर में चुनाव हो रहे हैं। महाराष्ट्र में अब सारी सीटों पर वोट पड़ गए। ठाणे में एकनाथ शिंदे वोट डालते दिखे तो मुंबई में राज ठाकरे। उत्तर मुंबई में पीयूष गोयल मैदान में है। मुंबई में हेमा मालिनी भी वोट डालने आई, हालांकि चुनाव मैदान में वो मथुरा से है। अब दो दौर बाकी है। 4 जून को चुनाव का ये उत्सव अपने चरम पर पहुंचेगा जब देश की अगली सरकार तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस पांचवें दौर में महाराष्ट्र की 13 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र का चुनाव पूरा हो गया। मुंबई में वोटिंग होती है तो मतदान केंद्र सितारों से जगमग रहते हैं और इस बार भी दिखा ये नजारा। ये फाइनल टेक है, फैसले की घड़ी। पांचवे दौर के चुनाव में हीरो भी दिखे, विलेन भी, गायक भी, संगीतकार भी। रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, फरहान अख्तर, सुनील शेट्टी, रणदीप हुड्डा, अक्षय कुमार, परेश रावल, विशाल डडलानी, कैलाश खेर सब सुबह सुबह वोट डालने आए। सलमान के माता पिता भी आए। फिल्मों में नेताओं का जो भी हो, लेकिन यहाँ एक गंभीर चुनाव है। सानिया मल्होत्रा, जाह्नवी कपूर, संजय दत्त, आमिर खान और कई बड़े सितारे। वोट अपील टू द व्यूअर्स, प्लीज वोट, प्लीज वोट। या डिड यू वोट सर? हाउ इज द फीलिंग? लवली। मैं सभी हिंदुस्तानियों को अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में लोग आए बाहर, सभी, हर एक इंसान बाहर आए और अपना वोट कास्ट करें। ये और हमारे इस विशाल लोकतंत्र का हिस्सा बने, इसका प्रोसेस बने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये सिर्फ मतलब हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम आए और वोट करें। चुनाव मैदान में खिलाड़ी कैसे पीछे रह जाएं? सचिन तेंदुलकर भी वोट डालने आए। आई एम द नेशनल आइकन ऑफ ECI, सो आई वॉज इन्वॉल्व इन क्वाइट अ फ्यू इनिशिएटिव इन रेजिंग अवेयरनेस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कास्टिंग योर वोट। टूडे एज अ प्राउड इंडियन आई एम एबल टू डू दैट, आई एम रियली रियली हैप्पी। यही कहना चाहूँगा कि यू नो नॉर्मली प्रॉब्लम्स दो वजह से होते हैं। एक इज यू एक्ट विदाउट थिंकिंग और यू जस्ट कीप थिंकिंग और एक्ट नहीं करते। मैं आज सभी को यही दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ आइए और अपना वोट कास्ट कीजिए, ये अपने देश के भविष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यही चीज है जो चुनावों को देश का सबसे बड़ा जश्न बनाती है। आम और खास एक हो जाते हैं और एक ही कतार में खड़े होकर तय करते हैं देश का भविष्य। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।